आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं LIC जीवन उत्कर्ष के बारे में, देखेंगे उसके फीचर्स को, देखेंगे उसके रिटर्न को, और इसके साथ साथ उसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम म्यूचुअल फंड के साथ जी हाँ म्यूचुअल फंड के साथ। देंगे आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन जैसे कि हमारे सारे वीडियो में देते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं मार्केट मास्टर, तो आइए देखते हैं। तो LIC जीवन उत्कर्ष, इसके हम कुछ बेसिक फीचर्स मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आ जाता है जो इंट्री एज है मिनिमम वो 6 साल रखा गया है, जो मैक्सिमम इंट्री एज है वो 47 साल यहां पर रखा गया है, जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो यहां पर 75,000 रुपये रखा गया है, जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसका कोई भी प्रकार का लिमिट नहीं है। अब क्यों लिमिट रखेंगे वो ये भी है। इसके बाद हम अगर प्रीमियम आपको कैसे देना है वो बात करें, तो यहां पर जो सिंगल प्रीमियम है यहां पर यानी कि वन टाइम लमसम पेमेंट आपको करना है। पॉलिसी का जो टर्म है वो यहां पर उन्होंने रखा है 12 साल तक का। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है अपने LIC जीवन उत्कर्ष के। तो क्योंकि ये पॉलिसी आता है LIC की तरफ से, तो इसका डेथ बेनिफिट जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसके रिटर्न को, इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे रिटर्न को म्यूचुअल फंड के साथ, और देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंस यहाँ पर बेसिकली आता है। लेकिन उससे पहले जो है ये पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो साल है वो है, एज है 30 साल का, आपने बेसिक सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपए का, पॉलिसी है 12 साल की, आपने प्रीमियम दिया है 2,68,175 रुपए का। तो अगर आपका यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर आपका डेथ होता है 5 साल के पहले और डेथ होता है 5 साल के बाद, तो अगर आपका डेथ होता है 5 साल के पहले, चलिए मान लेते हैं सपोज 4 साल में, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आपके बेसिक प्रीमियम का 10 गुना। तो आपका बेसिक प्रीमियम कितना है भाई, 2,68,175 रुपए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेसिकली सिंपली 2,68,175 को मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना है, यानी कि यहां पर आता है 26,81,750 रुपीज। अब यहां पर क्या होता है, दूसरा कंडीशन हम लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि मान लेते हैं कि डेथ जो है 5 साल के बाद हुआ, सपोज मान लेते हैं भाई 7 साल में हुआ, तब क्या कंडीशन बनेगा, तब यहां पर जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा जैसे कि हम एज मान लेते हैं 30 ईयर, बेसिक सम एश्योर्ड मान लेते हैं 5 लाख, जो टर्म है वो मान लेते हैं 12 साल, जैसा सेम था बेसिक प्रीमियम आपने वही दिया 2,68,175 रुपीज। 5 साल के पहले डेथ हो रहा था आपको क्या मिल रहा था, आपका बेसिक प्रीमियम का सीधा सीधा 10 गुना मिल रहा था। 5 साल के बाद होगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको यहां पर जो लॉयल्टी एडिशन है वो भी यहां पर मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के तरह से इसको भी देख लेते हैं, बाकी यहाँ पर तो पता नहीं है। तो यहाँ पर जो होता है आपको जो है 26 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है, इसके साथ साथ जो लॉयल्टी एडिशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा एक अजम्पशन ले तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ बनेगा 26,94,250 रुपीज। तो यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमको यहाँ पर 26 लाख रुपए का लाइफ कवर मिल रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रीमियम दे रहे हैं 2,80,000 रुपए के आसपास, अगर हम GST VST मिला दे तो। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम सेम LIC का टर्म प्लान ले ले और वहाँ पर 27 लाख रुपए का हम कवर ले ले, तो हमको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो सिर्फ 3600 रुपए पर NM देना पड़ेगा, यानी कि 12 साल का ये पॉलिसी है, यानी कि 3600 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 43,200 रुपए आएगा। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई 26 लाख रुपए यहाँ पर लाइफ कवर के लिए 2,80,000 रुपए का मैं प्रीमियम दूं कि मैं यहां पर LIC का टर्म प्लान ले लूं, जहां पर सिर्फ 43,200 रुपए में जो है मेरे को 27 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे नीचे जरूर से इस कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम देखते हैं इसके रिटर्न को। तो यहाँ पे जो LIC का जीवन उत्कर्ष है इसको हम देखते हैं भाई कि कितना रिटर्न हमको यहाँ पर मिलेगा मैच्योरिटी में। हालांकि जो उसका रिटर्न है वो बेसिकली डिपेंड करता है लॉयल्टी एडिशन पे कि वो कितना मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पर रेज्यूम कर लेते हैं एक मोटा मोटा। और यहाँ पर हम देखें कि पॉलिसी का टर्म 12 साल है, आपने यहाँ पर बेसिक समय छोड़ लिया है 5 लाख रुपए का, उसके लिए आपने यहाँ पर प्रीमियम दिया है 2,80,000 रुपए का, एज यहाँ पर मान लेते हैं 30 साल, तो भाई आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने रेज्यूम किया है लॉयल्टी एडिशन को यहाँ पर 300 रुपए पर 1,000, इसका मतलब कि जो है 1,000 क्या 1,000 समय छोड़ का, यानी कि जो 5 लाख है 5 लाख डिवाइड बाई 1,000 मल्टीप्लाई बाई 300 यानी कि तकरीबन आता है 1.5 लाख रुपए। और जो टोटल यहां पर जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी यहां पर 6,50,000 रुपए की। तो हम अगर इसको एक्सेल में डाल दें यहां पर और IRR देखें यहां पे, तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आता है ये आता है 7.26% का। तो आप मुझे बताइएगा क्या PPF इससे अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, ये मुझे आप जरूर से नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तो जैसा रिटर्न है घुमा फिरा के वो वही आ रहा है 6 से 8% के बीच में।
तो यहाँ पर फाइनली LIC जीवन उत्कर्ष को यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के साथ। तो सबसे पहला केस लेते हैं LIC का कि बेसिक सम एश्योर्ड 75,000 रुपये मान लिया, उसके लिए आपने यहाँ पर प्रीमियम दिया 42,100 रुपये। 12 साल के बाद आपको जो मेच्योरिटी मिली LIC जीवन उत्कर्ष में वो मिली 79,875 रुपये। अब आप सोच रहे हो बेसिक सम एश्योर्ड 75,000 और मेच्योरिटी 79 कैसे, तो भाई इसमें लॉयल्टी एडिशन हमने यहाँ पर रेज्यूम करके ऐड कर लिया है। इसके साथ साथ अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, आपने सेम प्रीमियम LIC 42,100 रुपए म्यूचुअल फंड में डाला 12 साल के लिए, तो आपको जो मैच्योरिटी मिली वो मिली 2,24,000 की 15% रिटर्न के हिसाब से, और 18% रिटर्न के हिसाब से आपको मिला 3,00,000 रुपए मैच्योरिटी। तो कहां आपका 42,000 रुपए 12 साल के बाद बन रहा है 79,000, और कहां म्यूचुअल फंड में आपका 42,000 बन रहा है 3,00,000 रुपए। आप सोच रहे हो 15% रिटर्न 18% रिटर्न ये कैसे, तो भाई 15% रिटर्न निकालना म्यूचुअल फंड में बहुत ही सिंपल सा है। आपको सिर्फ अभी तो मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस फंड ही आप जाके चेक कर लो, ICICI का बैलेंस फंड और HDFC का बैलेंस फंड हम 15% रिटर्न निकाल के दे देंगे। इसके साथ 18% की बात करूं तो आपको यहां पर थोड़ा सा मिड कैप की तरफ जाना पड़ेगा और 18% रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्मॉल कैप की तरफ आप जाएंगे तो आपको 23 से 25% तक का रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप रिलायंस स्मॉल कैप जाके देख लीजिएगा, रिटर्न उसका लेने नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ रिटर्न चेक करिएगा। इसके साथ हम दूसरे केस में आते हैं। तो यहां पर दूसरा केस है कि आपको अगर बेसिक सम एश्योर्ड यहां पर अगर 1,50,000 रुपए का मिलता है, 1,50,000 रुपए का यहां पर आपने जो उसके लिए प्रीमियम दिया वो दिया 81,000 रुपए का, और जो आपको यहां पर मैच्योरिटी मिली वो मिली 1,00,000, लॉयल्टी एडिशन को मिला के 59,750 रुपए। इसके लिए आपने प्रीमियम कितना दिया 1,50,000 रुपए के लिए 81,000। अब यही पैसा आपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दिया 81,953 रुपये 12 साल के लिए, तो आपको जो मैच्योरिटी मिली वो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी मिलेगी 6,00,000 की। अगर हम सिंपली 18% का रिटर्न माने और 15% का रिटर्न माने तो आपको यहाँ पर मैच्योरिटी मिलेगी 4,38,000 के आसपास। तो यहाँ पर कहाँ आपने यहाँ पर 81,000 देके आपका पैसा अभी डबल नहीं हो रहा भाई 12 साल में, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रिटर्न है वो 81,000 को यहाँ पर 6,00,000 कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन लेते हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे होगे कि LIC में यहाँ पर जो है हमको डेथ बेनिफिट तो मिल रहा है ना, तो यहाँ पर लेकिन आप एक बार पॉलिसी का टर्म भी सोचिए कि क्या है कितना है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि LIC का ही एक टर्म प्लान आता है जहाँ पे आप इजीली इतना रिस्क कवर इससे कम प्रीमियम में कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा आप अगर म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो भी इसके मैच्योरिटी से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आप निकाल दोगे। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर थर्ड केस लेते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर 3,00,000 है, उसके लिए आपने यहाँ पर प्रीमियम दिया LIC जीवन उत्कर्ष में 1,62,000 रुपये, और यहाँ पर मैच्योरिटी आपको मिलेगी 3,00,000, लॉयल्टी एडिशन को मिला के 19,500 रुपये। लॉयल्टी एडिशन यहाँ पर हमने एज्यूम किया है। इसके साथ साथ अगर आप यही पैसा आप यही प्रीमियम आप म्यूचुअल फंड में डालोगे 1,62,000 रुपये का, तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी 15% के हिसाब से जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 8,50,000, 8.5 लाख, और 18% के हिसाब से 12,00,000। यानी कि 12 साल में आपका 1,50,000 जो है वो यहां पर बन गया 12,00,000। वहीं पे LIC में आपका क्या हुआ जीवन उत्कर्ष में, आपका 1,50,000 बना 3,00,000, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1,50,000 हुआ 3,00,000, यानी डबल के आसपास। और यहां पर जो आपको पैसा मिला 1,50,000 लमसम, आपने 1,62,000 डाला था, वो यहां पर मिला आपको 12,00,000, 8 से 12,00,000 के बीच में। इसके बाद जो हम फाइनल यहाँ पर देखते हैं कि आपने यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड लिया LIC जीवन उत्कर्ष में 5,00,000 रुपए का, उसके लिए यहाँ पर आपने प्रीमियम दिया 2,80,000 रुपए। यहाँ पर जो आपको मैच्योरिटी मिली, जैसा कि हमने अभी अपने एग्जांपल में ही आपको बताया था कि 5,00,000 रुपए के लिए आपने 2,80,000 दिया, उसमें लॉयल्टी एडिशन हमने ऐड बताया कि कैसे करना है वो भी आपको बताया, तो वो सब मिला के आपको जो मैच्योरिटी मिली यहाँ पर LIC में वो मिली 6,50,000 रुपए की, यानी कि 6.5 लाख की। और जो आपने यही पैसा म्यूचुअल फंड में डाला 2,80,000 रुपए लमसम 12 साल के लिए, तो यहां पर जो आपको मैच्योरिटी मिली वो मिली दोस्तों 15,00,000 रुपए। अगर हम 15% के रिटर्न माने तो यहां पर 15,00,000 रुपए आपको मिले, और 18% माने तो 20,00,000 रुपए, यानी कि आपके 2,80,000 यहां पर LIC जीवन उत्कर्ष में बने 6.5 लाख, 6.5 लाख। और वही पैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको मिलेंगे 15 से 20 लाख रुपए के बीच में। तो कहां 6,00,000 और कहां उसका 3 गुना, 15 से 20 लाख, और वो भी आपके इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ 2,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप सोच रहे होगे लेकिन भाई LIC में तो डेथ बेनिफिट मिला ना, तो बस यहीं पे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज दोस्तों। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आपको LIC में 26 लाख रुपए अगर आप जीवन उत्कर्ष लोगे तो आपको 26 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा जब आप प्रीमियम दोगे 2,80,243 रुपए का। और यही अगर आप सेम LIC का ही यहाँ पर आप टर्म प्लान ले लोगे 27 लाख रुपए का आपको जो है रिस्क कवर मिल जाएगा। उसके लिए जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा वो सिर्फ 43,000 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 43,000 देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर लमसम को हटा भी दोगे, यानी कि 2,80,000 रुपए में अगर आप 43,000 रुपए हटा दो, 40,000 मान लेते, तो 2,40,000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में तो भी आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 15 से 20 लाख रुपए। यानी कि आपका यहाँ पर जो रिस्क कवर है वो भी हो गया टर्म प्लान के रूप में 40 से 50 हज़ार में, जो मैच्योरिटी है आपको म्यूचुअल फंड में वो भी मिल गई 40 यहाँ पर 15 से 20 लाख रुपए, सिर्फ 2,40,000 लमसम डालने पे। यहाँ पे आपका दोनों काम जो है वो हो गया। वहीं पे LIC में क्या हो रहा था, आपको सिर्फ 6.5 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिल रहा था। तो इसी कारण से बोलते हैं कि कभी भी आपको जो आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों ही अलग अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट अलग होता है और इंश्योरेंस अलग होता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो जैसे कि हम हमारे सारे वीडियो में यहाँ पर कंक्लूजन बताते हैं, तो इस वीडियो से कंक्लूजन निकलता है कि इस वीडियो का कंक्लूजन आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मुझे यहाँ पर नीचे कंक्लूजन बताइएगा, मैं आपके कंक्लूजन का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और मुझे आपका कंक्लूजन नीचे इस कमेंट्स में बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं कि PPF इक्विटी और बैलेंस फंड इससे अच्छा ऑप्शन है या नहीं। इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये LIC का जीवन उत्कर्ष प्लान कैसा लगा। इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि जो हमने कंपैरिजन किया है जीवन उत्कर्ष को और म्यूचुअल फंड को, ये आपको कैसा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।